वहीं बलौदाबाजार जिले में मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला अस्पताल में एक भी प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स भी तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसी को लेकर नाराज तीमारदारों ने अस्पताल के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया। तीमारदारों की संख्या को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पहले भी एक मरीज की मौत हो चुकी है। बड़ौदा बाजार ब्लॉक ब्लॉक हम नायक भी हूँ और प्रदेश स्तर मितान संघ का अध्यक्ष भी। तो आज हमारी मितान ने पूरे जिला का बड़ौदा बाजार जिला के जिला हॉस्पिटल संबंधित जो है जो भी यहाँ खामियाँ हैं, कोई सुविधा भी नहीं है। जैसे हमारी मितान ने डिलीवरी लेके आती हैं तो यहाँ सिजेरियन नहीं होता है, तत्काल जो है नर्स के द्वारा ही जाँच करती भी है, नहीं करती तुरंत रिफर, यहाँ जाओ यहाँ नहीं हो पाएगा, आप कहीं भी ले जाओ, चाहे प्राइवेट ले जाओ चाहे रायपुर ले जाओ। केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को नहीं कहा जाए, ये पूरा जितने भी जिले में हॉस्पिटल है, चाहे ब्लॉक लेवल को हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी। फिर हम लोग का मीटिंग हो रहा था 8 तारीख को, हमारे यहाँ एक एमटी है संध्या वर्मा करके, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, रात को लाया गया उनको, कोई डॉक्टर नहीं चेक किए, कोई सिस्टर नहीं चेक किए।